फिर रिवाइज करते हैं। देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचिएगा, हम करें नाद का अनुसंधान, तो हम स्टार्ट करते हैं नाद अनुसंधान। सिद्धासन में बैठ गए, वैष्णवी मुद्रा लगाई, बाहर की ध्वनियों से अपने मन को हटा के दाहिने कान से अंदर की ध्वनि को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। अंदर की ध्वनि कोई मान लो कोई आ रही है, स्थूल ध्वनि आ गई, 5 दिन 7 दिन उसी स्थूल ध्वनि का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन स्थूल पे नहीं टिके रहना, हमें हमें धीरे धीरे कहाँ जाना है, सूक्ष्म, उससे भी और सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। और ऐसे सबने अपना मन, जिसको स्थूल सुन रही स्थूल, सूक्ष्म सुन रही सूक्ष्म, सबने अपना मन वहाँ पे लगा रखा, तो मन और नाद एक हो गए। कैसे हो गए एक? दुख धाम भूवत मना, जैसे जल और दूध एक हो जाते हैं वैसे ही नाद और मन एक हो गए। और जहाँ पर उसका नाद का लय हुआ है, नाद का और मन का लय हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, विष्णु का परम पद। मतलब हम लीनता कहीं संसार में नहीं, हमारी मन की और नाद की, उस परम पद विष्णु में हम लीन हो गए। और जब तक नाद चल रहा है तब तक मन चल रहा है, जैसे ही नाद शांत हुआ मन भी आपका शांत हो गया, और उसको हमने क्या कहा, मनोन्मन अवस्था। इस अवस्था में हम बने हुए हैं, और हमारा शरीर कैसा हो चुका, मृतवत, मरे हुए के समान, काष्ठवत, ना हमें सर्दी लगती है, ना गर्मी, ना सुख, ना दुख, ना मान अपमान, शरीर के संबंध है ये, तो शरीर से हमारा संबंध हट चुका है, तो ये सब चीजें हमें प्रभावित नहीं करती है। सारा विषय